सामने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। अब कर्ज माफी योजना की जो राशि है वह इस तारीख को डालेगी किसानों के खातों में। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में, और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों को दी बड़ी खुशखबरी के विषय में, जिसमें कि कर्ज माफी की जो राशि है वह इस तारीख तक आएगी किसानों के खाते में। तो क्या पर मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह के अपडेट न्यूज आप तक पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय, जो संबंधित है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने दी किसानों को बड़ी खुशखबरी। क्या पर मामला, आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कर्ज माफी योजना में जो अपडेट आया है वह यह है कि मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार है वह किसानों को इस तारीख को डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी उनके अकाउंट में। दोस्तों आपको बता दें 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस अपने इस काम को अंजाम देने के लिए जुट गई है। इन नई सरकार का कार्यकाल 1.5 महीने हो गया है। किसानों की कर्ज माफी की फाइल तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 घंटे में ही साइन कर दी थी, लेकिन पेचीदा प्रक्रिया के चलते किसानों का कर्ज चुकाना बैंक में रकम अभी तक जमा नहीं हो पाई है। फंड की कमी से जूझ रही सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। 22 फरवरी से सरकार 50,000 से कम कर्जे वाले किसानों के बैंक खाते में राशि जमा करने का काम शुरू कर देगी। बैंकों में किसानों के कर्ज की रकम जमा करने के लिए वित्त विभाग को करीबन 47,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। इसीलिए राज्य सरकार ने शीत सत्र के अनुपूरक बजट को फिलहाल रोक दिया है। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट में विभागों को आवंटन राशि पर रोक लगा दी है। विधानसभा के शीत सत्र में 22,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया है, लेकिन अभी तक विभिन्न विभागों को अनुपूरक बजट की राशि आवंटन नहीं की गई है। वित्त विभाग ने फिलहाल इन फंड की पर रोक लगा दी है और अब इस रकम का उपयोग सरकार किसानों के कर्ज चुकाने के लिए करेगी। 22 फरवरी से किसान को बैंक के खातों में कर्ज माफी की रकम जमा की जाएगी। वित्त विभाग को हाई कमान से इस बात से साफ तौर पर निर्देश मिले हैं कि वह सभी विभागों के फंड रोककर पहले किसानों की कर्ज माफी की रकम का इंतजाम करें। अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी के लिए रखे गए थे और अधिक राशि का इंतजाम करने वित्त विभाग बजट सत्र के दौरान तीसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने 25 लाख किसानों को कर्ज माफी करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें वह किसान शामिल है जिन्होंने सहकारिता कमर्शियल बैंक के आचार संहिता लागू होने से पहले कर्ज लिया था। सरकार खजाने की चरमराती हालत के अनुपूरक बजट के फंड को जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार कही जा सकती है। सरकारी खजाना खाली होने के चलते सीएम कमलनाथ ने भी जरूरी कामों पर खर्च करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग तरुण भनोट ने के मुताबिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट का फंड विभागों को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने विभागों से उनके मासिक खर्चों की जानकारी भी मांगी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको बताया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 22 तारीख निर्धारित की है और 22 तारीख से हर किसानों के खातों में, जो कि 50,000 से कम है, उनके खातों में निश्चित रूप से राशि आना शुरू हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।